हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण रहेगा वो है नया संसद भवन। जो नया संसद भवन बना है उस पर आधारित क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नया संसद भवन, नया संसद भवन, और इसी साथ इसे भी देख ले, ये है पुराना संसद भवन। ठीक है, तो चैप्टर हमारा का रहेगा, तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा नया संसद भवन और उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ और इसके पहले इसकी नींव 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने रखी थी, लेकिन बीच में आ गया कोविड-19। कोरोना के चलते ये नहीं बन पाया और इसकी शुरुआत दोबारा हुई और नए संसद भवन की नींव इस प्रकार से 28 मई 2023 को रखी गई। और उसको डिजाइन किया है बिमल पटेल जो कि गुजरात के वास्तुकार हैं, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। इसके पहले अगर पुराने संसद भवन की बात की जाए तो उनको एडवर्ड लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। दोनों के चित्र को हम देख सकते हैं, ये है एडवर्ड लुटियंस और ये हैं हार्बर्ट बेकर। और इसी के साथ चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये हैं बिमल पटेल जो कि गुजरात के बहुत ही बड़े वास्तुकार हैं, और इनके साथ 81वीं विश्वनाथ कॉरिडोर की जो योजना चल रही है वो भी इनकी ही अंडरटेकिंग में चल रही है। उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ और इसकी डिजाइन बिमल पटेल ने की जो कि गुजरात के वास्तुकार हैं, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी इन्हीं के अंडरटेकिंग में कार्यरत है। उसके बाद सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भी इन्हीं की अंडरटेकिंग में कार्यरत है। इस प्रकार से समझते हैं तो हम देखते हैं क्या अंतर है नई संसद भवन और पुरानी संसद भवन में क्या अंतर है। इसके पहले ही जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नई संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जिस प्रकार से आपके यहाँ कम लोग होते हैं तो जगह कम होती है, हम थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, एक आध कमरों में गुजारा कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है तो हमको नया मकान खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, नया कंपार्टमेंट अलॉट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो धीरे धीरे उसी प्रकार से पहले हमारी जनसंख्या कम थी, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य कम थे और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी। और आधुनिकीकरण होने के साथ साथ जो डिजिटलीकरण है, तो जिस प्रकार से हमको आधुनिकीकरण की आवश्यकता पड़ी उस प्रकार से हमको नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। तो नया संसद भवन और पुराना संसद भवन में हम अंतर के माध्यम से समझते हैं कि क्या नए भवन में था, क्या नए संसद भवन में था और क्या पुराने संसद भवन में रहा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लागत की। तो जो नया संसद भवन है इसमें 800 करोड़ रुपए की लागत आई, जबकि पुराना संसद भवन 83 लाख रुपए में बन गया था, 83 लाख रुपए में बन गया था। उसके बाद सीटिंग प्लान था वो टोटल 800 सीटें थी, 550 लोकसभा में थी और 250 राज्यसभा में थी। उसके बाद बात कर करते हैं कि इसका जो एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में ये चीजें बनी। तो नया संसद भवन जो बना है हमारे 84,500 स्क्वायर मीटर में बना है, और जो पुराना संसद भवन था वो 47,500 स्क्वायर मीटर में। कि जो डिजाइन है वो नया संसद भवन का त्रिभुजाकार है और पुराने संसद भवन का जो डिजाइन है वो गोलाकार है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, इसमें क्या क्या थोड़ी खामियां रही हैं समय के साथ साथ, खामियां नहीं कह सकते हैं, समय के साथ साथ जो परिवर्तन लाए गए हैं वो हैं इस प्रकार से हैं। देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा और सेंट्रल लॉज खुले आंगन में, और ये गोलाकार भवन था, इसमें सेंट्रल हॉल एक बड़ा सा, ठीक है, एक सेंट्रल हॉल बड़ा सा, इसमें कोई हॉल नहीं। लोकसभा में ज्वाइंट सिटिंग, जो संयुक्त तो बैठकें होती वो ज्वाइंट लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट होती थी, इसमें लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त तो सत्र इसमें भी बुलाए जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा अंतर ये भी है कि इसमें ये डिजिटलीकरण कर दिया गया, इसको डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, इसका आधुनिकीकरण कर दिया गया, जबकि ये पुराने सेगमेंट के आधार पर बना हुआ है, जैसी जरूरतें पहले थी ये ठीक वैसा था। इसमें क्या होगा, पुस्तकालय, नए संसद में देख सकते हैं पुस्तकालय
संविधान भवन, समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र, जबकि इसमें भी संविधान भवन नहीं, इसमें संविधान भवन अब नहीं है। फिर इसमें क्या, निजी भोजन कक्ष, रीडिंग रूम इसमें भी है। तो ये कुछ अंतर हैं, ये कुछ बेसिक अंतर रहे हैं ये इसमें है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुराना जो पार्लियामेंट है उसकी नींव कब रखी गई, जो थोड़ा इतिहास से जुड़ी चीजें देखते हैं। शिला रखी गई किंग जॉर्ज पंचम को आना था और ये 6 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। 12 फरवरी 1921 से शुरुआत इसकी हुई बनने में और 18 जनवरी 1927 तक ये बना। उसके बाद बात करते हैं, किसी कारणवश किंग जॉर्ज पंचम नहीं आ पाए और उनकी जगह पर आए ड्यूक ऑफ कनाट। ये आए कौन, ड्यूक ऑफ कनाट। देखिए ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में मिल सकते हैं क्योंकि नई संसद भवन बनी है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। और तो उनकी जगह पर आए ड्यूक ऑफ कनाट, किंग जॉर्ज पंचम नहीं आ पाए तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया 12 फरवरी 1921 को। 12 फरवरी 1921 को इसका ड्यूक ऑफ कनाट ने उद्घाटन किया। उसके बाद और क्या कहा कि भारत के पुनर्जन्म का प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा, यानी ये जो नया संसद भवन है ये भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 190 वर्ष से जो अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, इसका सत्ता परिवर्तित हो रहा है, सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, उसके प्रतीक में खड़ा रहेगा। ये याद भी करना है, हो सकता आ जाए कि भारत के पुनर्जन्म का प्रतीक के रूप में ये नया संसद भवन खड़ा रहेगा। तो भारत के पुनर्जन्म का प्रतीक के रूप में ये इमारत खड़ी रहेगी। और ये बनकर कब तैयार हुआ, 1927 को, जब यहाँ लॉर्ड इरविन आए। पढ़ा होगा 1927 को लॉर्ड इरविन आए, ठीक वही 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, वो इतिहास की बात है, पर यहाँ पर कनेक्टिविटी है तो बतानी है। और इसको क्या कहा, लॉर्ड इरविन ने इसको क्या कहा, यानी काउंसिल ऑफ हाउस, लॉर्ड इरविन ने इसको कहा काउंसिल ऑफ हाउस। अच्छा, इसकी डिजाइन किसने तैयार की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो इसकी डिजाइन दो लोगों ने तैयार की, एक थे एडवर्ड लुटियंस और एक थे हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि 1921 में ये जब जगह खरीदी गई थी तो ये स्थिति थी। उसके बाद 1922 में, 1923 में फाउंडेशन रखी गई, 1925 में थोड़ा थोड़ा सा प्रारूप आने लगा और 1927 में ये बनकर तैयार हो गई। तो आप चित्र देख सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में हो सकता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको हम जीवी मावलंकर के रूप में जानते हैं। फिर नई संसद भवन के जो उद्घाटन किया उसमें 17वीं लोकसभा है, उसके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें हम डबल स्टार लगाएंगे, ये वो इंपॉर्टेंट है जो सेंगोल, बार बार नेहा राठौर के जो वीडियो सुने होंगे, सिंगोल सरकार, सिंगोल सरकार, ये सरकार सिंगोल सरकार। तो आखिर क्या है सिंगोल सरकार, इसके पीछे की थोड़ी कहानी है समझते हैं। सिंगोल सरकार क्या है, सिंगोल एक राजदंड है। आप पहली बार तो सिंगोल को देख लीजिए चित्र में, ये है सिंगोल, ये है सिंगोल। अब सिंगोल देखिए, सिंगोल एक राजदंड है और जो कि संपदा संपन्न नीतिगत शासन का प्रतीक है, जो कि चोल साम्राज्य से लिया गया है और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसके पीछे की थोड़ी कहानी ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब हम सत्ता परिवर्तित कर रहे हैं, यानी पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको किसकी प्रतीक के रूप में रखा जाए। तो बात ये हुई, फिर तमिलनाडु से एक सेंगोल यानी राजदंड मंगवाया गया, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सेंगोल एक छोटा सा प्रतीक था, उसको मंगवाया गया तमिलनाडु से, जो कि चोल साम्राज्य से लिया गया है। और उन्होंने क्या किया कि वो लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को वो सिंगोल दे दिया। लेकिन जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो उसको आनंद भवन के संग्रहालय में रख दिया गया। लेकिन बाद में जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो सेंगोल को इलाहाबाद से मंगवाकर, सेंगोल संपदा का प्रतीक है और राजदंड यानी नीतिगत
राजनीति का प्रतीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं, और ये चोल सम्राट से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे हैं नए संशोधन और पुराने संशोधन में, वो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।